नमस्कार, आप सभी का तत्काल संदेश में स्वागत है। मैं निवेदिता चलती हूं आज की बड़ी खबर की ओर। सतना में दो सड़क हादसे, रामस्थान के पास ट्रक से टकराकर पलटी बस, 35 घायल, 6 गंभीर, और चित्रकूट रोड पर भी कार पलटने से 4 घायल। सतना सिमरिया मार्ग पर रामस्थान के पास जंपर से टकराकर एक बस पलटने से 35 लोग घायल हो गए, जबकि चित्रकूट रोड पर हुए एक अन्य हादसे में कार पलट जाने से 4 लोगों को चोटें आई हैं। बस हादसे में घायल 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना की खबर मिलते ही कलेक्टर SP खुद अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। जानकारी के मुताबिक सतना सिमरिया मार्ग पर बाबूपुर पुलिस चौकी अंतर्गत रामस्थान के पास बुधवार दोपहर ट्रक से टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में लगभग 50 लोग सवार थे, जिनमें से 35 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों में भूपेंद्र सिंह, पिता लाल यादव प्रताप सिंह 60 वर्ष निवासी सिद्धार्थ नगर सतना, महेश सिंह 49 वर्ष निवासी गढ़वा खुर्द, प्रवेश दुबे 23 वर्ष निवासी मानिकपुर यूपी, सीमा साकेत 33 वर्ष निवासी बरा गिरुवार सिमरिया रीवा, अंकिता प्यासी 21 वर्ष निवासी घुंगचिहाई तथा विमला साकेत 45 वर्ष निवासी बराज सतना शामिल है। बताया जाता है कि बस सतना से गढ़वा जा रही थी, तभी रामस्थान मोड़ के पास सामने से आ रहे डंपर से बस की भिड़ंत हो गई और बस बेकाबू होकर पलट गई। दुर्घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने भागकर बस सवार लोगों की मदद की। बाबूपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायलों को अस्पताल भेजा। हादसे की खबर मिलते ही कलेक्टर अनुराग वर्मा और SP आशुतोष गुप्ता जिला अस्पताल पहुंचे और वहां घायलों का हाल जानने के साथ ही उन्होंने डॉक्टर से इलाज के बारे में जानकारी ली। बाद में SDM सुरेश गुप्ता तथा तहसीलदार BK मिश्रा को भी अस्पताल भेजा गया। कार पलटने से 4 घायल। उधर सिविल आयसा थाना अंतर्गत चित्रकूट मार्ग पर ग्राम पूछी के पास एक कार बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में रोशन सीतलानी, मयंक विनोद पारवानी व सोनम को चोटें आई हैं। वे जैतवारा जा रहे थे। गैल 100 ने मौके पर पहुंचकर घायलों की मदद की। आप देख रहे हैं तत्काल संदेश। नई खबर पाने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।